गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLChart पे आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रयास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 4 एवं 5 के लिए, और इसमें हम अध्ययन करेंगे प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन। तो विद्यार्थियों, आइए शुरू करते हैं और हल करते हैं प्रारंभिक मूल्यांकन बेस लाइन, जो पेज नंबर 1 से पेज नंबर 4 तक है। आइए शुरू करते हैं विद्यार्थियों प्रारंभिक मूल्यांकन बेस लाइन। पहला सवाल है, नीचे शब्दों में लिखी संख्या के सामने उसके अंकी रूप पर सही का निशान लगाएं। नीचे ये जो मैं संख्या दे रखी है, ये शब्दों में लिखी हुई है, उनके अंकी रूप में हमें इस तरफ सही का निशान लगाना है। पहले का क 87, तो यहाँ 87 जहाँ है वहाँ हमें सही का निशान लगाना है। तो इनमें से 87 है ये वाला, तो हम इसके ऊपर सही का निशान लगाएंगे कि ये वाला हमारा इसमें सही है कि 87 ये वाला है। इसी का ख वाला 59, अब इनमें से हमें 59 पर हमें सही का निशान लगाना है। तो विद्यार्थियों, ये वाला है 59, हम इस पे लगाएंगे सही का निशान। चलिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, सवाल नंबर दूसरा, दौड़ में भाग लेने वाले धावकों का सही क्रम संख्या वाला कार्ड दीजिए। अब ये दौड़ में भाग लेने वाले धावक हैं, तो अब इनमें से हमें इनका सही क्रमांक, या ऊपर जो लिखा हुआ है हमें ना इनका सही क्रमांक वाला कार्ड इन्हें देना है। ये लिखा हुआ है 64, अब यहाँ 64 कहाँ है, यह वाला, हम इससे मिलान करेंगे। ये है 69, अब 69 कहाँ है, इनमें से ये वाला, हम ये वाला कार्ड इसको देंगे। 89, ये वाला है 89, हम ये वाला कार्ड इसको देंगे। ये 29, ये वाला है 29, हम ये वाला कार्ड इसको देंगे। ये 33, हम ये वाला कार्ड इसको देंगे। इस प्रकार से हमने कार्ड इनको दिए। चलिए विद्यार्थियों, अगला सवाल, सवाल तीसरा, डिब्बों पर लिखी संख्याओं को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये क वाला और ये वाला ख वाला, तो पहले क वाला कर लेते हैं। संख्या जो डिब्बे पे दे रखी है 62, 49, 33, 84, अब इनका हमें आरोही क्रम लिखना है। सबसे पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, यानी बढ़ते क्रम में जो लिखते हैं वह होता है आरोही क्रम। तो इनमें सबसे छोटी कौन सी है, 33, तो पहले लिखा 33, 33 से बड़ी कौन सी है, 49, हम यह लिखेंगे, यह लिखा 49। अगला है, 49 से बड़ी कौन सी है, 62, हम यहाँ लिखेंगे 62, 62 से बड़ी कौन सी है, 84, हम यहाँ लिखेंगे 84। इस प्रकार से हमने 33, 49, 62, 84 बढ़ते क्रम में लिखा। इसी प्रकार से ख वाला 73, 27, 39, 99, अब इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 27, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 27, 27 से बड़ी कौन सी है, 39, हम यह लिखेंगे 39, 39 से बड़ी कौन सी है, 73, तो हम यह लिखेंगे 73, और सबसे बड़ी यहाँ कौन सी है, 99। तो इस प्रकार से हमने 27, 39, 73, 99 संख्या को बढ़ते क्रम में लिखा। अगला सवाल चौथा, जोड़ कर लिखिए। ये हमें जोड़े करनी है, क वाला 13 में 5 जोड़ना है,
चलिए जोड़ दे, 3 में 5 जोड़ेंगे, 3 और 5 कितना होगा, 8। हम यहाँ लिखे नीचे लिखेंगे 8, और ये 1 का 1 कितना आया, 18। 13 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 18। इसी प्रकार से ख वाला 33 प्लस 9, 33 में 9 जोड़ना है, चलिए जोड़ते, 3 में 9 जोड़ेंगे, 3 और 9 12, 12 का लिखेंगे हम यहाँ पे 2, हासिल लगा 1। 1 और 3 4, यहाँ लिखेंगे 4, तो कितना आया 42, 33 में 9 जोड़ते हैं तो 42 प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां सवाल, संख्याओं को घटाकर उनके हल त्रिभुज में लिखिए। संख्या को घटाना है, उनका हल हमें यहाँ लिखना है, इस त्रिभुज में लिखना है। 17 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 14, हम यहाँ लिखेंगे 14। 36 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 32, यहाँ लिखेंगे 32। 68 में से 22 घटाएंगे, 68 में से 22, 8 में से 2 घटाया बचा 6, 6 में से 2 घटाया बचा 4, यानी 46। 68 में से 22 घटाते हैं, 46 बचता है। अब अगला, 97 में से 36 घटाएंगे, 7 में से हम 6 घटाएंगे बचा 1, और 9 में से 3 घटाएंगे बचा 6, यानी 61। चलिए अगला, 6वां सवाल, पेड़ की एक डाली पर 8 आम हैं, उनमें से 4 आम तोड़ लिए तो अब डाली पर कितने आम बचे। पेड़ की डाली पर कितने आम हैं, 8, उनमें से 4 तोड़ लिए तो डाली पे कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, तो ये क वाला सही है। हम यहाँ लिखेंगे कौन सा सही है, ये क ख क क लिख दिया, इसे आप सही कर दीजिए, क ख ये वाला होगा यहाँ पे ग, और ये होगा ग, इसे आप सही कर दीजिए, क ख ग ग, कौन सा सही है, ग वाला, तो हम यहाँ ग भरेंगे, तो इसे आप थोड़ा सही कर दीजिए, मिस प्रिंट हो जाता है। चलिए विद्यार्थियों, ये था आपके 6वां सवाल, आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं हम इसका अगला सवाल। विद्यार्थियों, सवाल 7, चित्र को समझकर बॉक्स भरिए। अब इस चित्र को समझना है और बॉक्स भरना है, ये कितने, 1 2 3 4, हमें यहाँ नीचे लिखना है 4, जोड़कर निशान, यहाँ पे कितना, 1 2 3 4, ये भी हम यहाँ लिखेंगे 4, फिर जोड़कर निशान, 1 2 3 4, ये कितने हैं 4, हम यहाँ पे भी लिखेंगे 4, इन सबको जोड़ेंगे 4 4 4, कितना हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हम यहाँ लिखेंगे 12, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12। अब ये कितने थे, 4 4 थे, कितने समूह थे, 4 4 के 3 समूह, 4 3 गुणा करेंगे, 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 3 12, हम यह लिखेंगे 12। तो इस प्रकार से हमने 7वें सवाल को हल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां सवाल, आकृतियों को देखकर आकार के आधार पर संख्या लिखिए। अब आकार देखना है, ये वाला और ये वाला, संख्या हमें यहाँ लिखनी है। सबसे पहले वृत्त देखना है कि इस आकृति में कितने वृत्त हैं, चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 छ, और ये पूरा 7, और है नहीं है, तो हम यहाँ कितने हैं, संख्या 7। अब त्रिभुज गिनेंगे इस प्रकार के, 1 2 3 4 5, कितने हैं 5, हम यहाँ लिखेंगे 5। चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं, 9वां, पैटर्न पूरा कीजिए। अब ये पैटर्न समझना है, हमें पैटर्न पूरा करना है। पहले वाला 6 12 18 24, देखिए 6 में 6 जोड़ा 12, 12 में 6 जोड़ा 18, 18 में 6 जोड़ा 24, अब 6 6 जुड़ रहा है, 6 6 जोड़ के हम संख्या आगे लिखेंगे, 24 में 6 जोड़ेंगे 30,
तीस में छः जोड़ेंगे छत्तीस, छत्तीस में छः जोड़ेंगे बयालीस। तो इस प्रकार से हमने पैटर्न को पूरा किया। चलिए अगला पैटर्न, स्टार वृत्त स्टार वृत्त स्टार वृत्त स्टार वृत्त, इस प्रकार से आएगा स्टार वृत्त स्टार वृत्त स्टार, यह आएगा वृत्त और यह आएगा वापस स्टार, फिर यह आएगा वृत्त। इस प्रकार से हमने इस पैटर्न को भी पूरा किया। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, दसवां सवाल, बड़े पर सही का निशान लगाए। अब इनमें से बड़ा कौन सा है, उन पे हमें सही का निशान लगाना है। देखिए विद्यार्थियों, क वाले में इन दोनों में से बड़ा क्या है, बोतल बड़ी है या पानी की टंकी। तो ये पानी की टंकी बड़ी है, इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार से ख वाला, कार बड़ी है या ट्रक, ट्रक बड़ी है, तो इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। तो ये था दसवां सवाल। अगला ग्यारहवां सवाल, आकृतियों की संख्या गिनकर लिखिए। अब ये जो चित्र देगा इसमें से हमें आकृतियों गिननी है, आयत वृत्त वर्ग और त्रिभुज। सबसे पहले हम आयत गिनेंगे, यानी इस प्रकार की जो आकृति होती है वो आयताकार आकृति होती है। आयत गिनेंगे किस आकृति में कितने आयत हैं। चलिए एक, ये दो और ये वाला तीन, कितने आयत हैं तीन, तो हम ये लिखेंगे तीन। अब अगला है वृत्त, यानी ऐसे गोले गिनने हैं, गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और एक ये वाला 13, कितने वृत्त हैं 13, तो हम यहाँ 13 लिखेंगे। अगला है वर्ग, यानी इस प्रकार की आकृति, यहाँ पे आपके एक वर्ग है, कितना है ये वाला एक वर्ग है, तो हम यहाँ एक लिखेंगे। अगला त्रिभुज गिनेंगे, यानी इस प्रकार की आकृति है, चलिए गिनते हैं एक दो ये वाला तीन ये वाला चार ये वाला पाँच छ सात आठ, कितने हैं आठ, तो हम यह लिखेंगे आठ। तो इस प्रकार से हमने 11 सवाल हल किया। चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल विद्यार्थियों, बारहवां सवाल, निम्न आकृतियों का आकार किसके जैसा है, सही पर निशान लगाइए। अब नींबू का आकार किसके जैसा है, ईंट का आकार किसके जैसा है, अमरूद का आकार, कंचा, माचिस, नींबू का आकार किसके जैसा होता है, गेंद के जैसा, ईंट का आकार किसके जैसा होता है, संदूक जैसा, अमरूद का आकार गेंद जैसा, कंचे का आकार गेंद जैसा, माचिस का आकार संदूक जैसा। तो इस प्रकार से ये था आपके 12 सवाल। चलिए अगला 13 सवाल, रिक्त स्थानों में उचित संख्या भरो। अब ये जो गिनती लिखी हुई है इसे हमें भरनी है, एक एक के बाद दो फिर तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। इस प्रकार से हमने संख्याओं को भरा, इसमें आप भी भरिए इसको। अगला सवाल 14, संख्या अंकों का संख्या नाम से मिलान कीजिए। संख्या अंकों का संख्या नाम से मिलान करना है। अब 13 कहाँ लिखा हुआ, ये वाला, इससे मिलान करेंगे। 27 इससे मिलान करेंगे, 8 इससे मिलान करेंगे 8, 32 ये 32 इससे मिलान करेंगे, 45 45 से मिलान करेंगे। इस प्रकार से हमने इसको मिलान किया। चलिए अगला 15,
सही जोड़ की संख्या पर सही का निशान लगाइए। अब जो सही जोड़ कर रखी है उन पे हमें सही का निशान लगाना है। अब ये 15 किनकी जोड़ पर, 10 और 5 15 होता है, बिल्कुल सही। 12 और 3 15 ये भी सही है। 9 6 15 ये भी सही है। 8 और 3 8 और 3 11 होता है, ये सही नहीं है, इस पे हमें सही निशान नहीं लगाना है। 7 और 8 15 इस पे भी सही का निशान लगाएं। 12 और 6 18 ये सही नहीं है। तो ये चारों सही थे, इस पे हमने सही का निशान लगाया। ये 18, इनकी जोड़ 18 जहाँ हो वहाँ हमें सही का निशान लगाना है। 12 और 6 कितना होता है, 18 सही। 9 और 5 14 ये सही नहीं है। 11 और 7 इनकी जोड़ कितनी होती है, 18 ये भी सही है। 15 और 3 18 ये भी सही है, ये तीनों सही है। चलिए विद्यार्थियों अगला 16वां सवाल। सही घटाव की संख्या में रंग भरी है। अब जो सही घटाव है उनकी संख्या में हमें रंग भरना है। 15 आते देखो, 17 में 7 घटाते 10 आता है, 15 में 0 घटाते 15 आता है, तो हमें इसमें रंग भरना है। 25 में 5 घटाते 20 आता है, ये भी सही नहीं है। 24 में से 9 घटाते हैं तो कितना आता है, 24 में से 9 तो 15 आता है, ठीक है। तो ये वाला भी, इसमें भी हमें रंग भरना है। 10 में से 5 घटाते हैं 5 आता है, 25 में 10 घटाते हैं तो 15 आता है, इसमें भी हमें रंग भरना है, ये भी सही है। 20 में से 2 घटाते 18 आता है, 20 में से 5 घटाते 15 आता है, इसमें भी हमें रंग भरना है। 1 2 3 4 इन चारों में हमें रंग भरना है। चलिए विद्यार्थियों अगला सवाल 17वां सवाल। हल्की से बारी के क्रम में लिखिए। अब इनमें से हल्के फिर बारी फिर बारी इस प्रकार से लिखना है। अमरूद बेर और तरबूज, इनमें से हल्का कौन सा है, बेर सबसे पहले लिखेंगे हम बेर। फिर बेर से बारी क्या है, अमरूद, तो हम यह लिखेंगे अमरूद। और फिर बारी तरबूज, इस प्रकार से हमें हल्के से बारी के क्रम में लिखना है। बस्ता चौक और डस्टर, अब इनमें से सबसे हल्का क्या है, चौक, तो हम यह लिखेंगे चौक। फिर उससे बारी डस्टर, हम यह लिखेंगे डस्टर। और फिर बारी बस्ता, हम यह लिखेंगे बस्ता। इस प्रकार से हमें हल्के से बारी में लिखना है। गढ़ा गिलास जग, अब इनमें से सबसे हल्का क्या है, गिलास, सबसे पहले हम लिखेंगे गिलास। गिलास से बारी जग, यहाँ लिखेंगे जग। और जग से बारी है गड़ा, हम यह लिखेंगे गड़ा, ठीक है विद्यार्थियों। चलिए अगला 18वां। सप्ताह के दिनों को क्रम से लिखिए। सोमवार, सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार, तो यहाँ लिखेंगे हम मंगलवार। फिर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार। तो लिख सकते हैं यहाँ पे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 19वां। पैटर्न को पहचानो व पूरा करो। टी पी पी, फिर टी और फिर पी पी। वृत्त दो बिंदु, वृत्त एक बिंदु, वृत्त दो बिंदु, वृत्त एक बिंदु, इस प्रकार से आएगा। वृत्त दो बिंदु, वृत्त एक बिंदु, वृत्त फिर दो बिंदु और फिर यहाँ पे वृत्त। अगला 2 4 6 8 10 फिर 12 फिर 14, दो दो बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से पैटर्न को हमने आगे बढ़ाया।
चलिए अगला, बीसवा, दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाएं, इस पैटर्न को हमें आगे बढ़ाना है। त्रिभुज वृत्त, दो त्रिभुज दो वृत्त, एक त्रिभुज था एक वृत्त था, दो त्रिभुज दो वृत्त, अब तीन त्रिभुज आएंगे और तीन वृत्त आएंगे, फिर चार त्रिभुज चार वृत्त, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। ये वाला 5 10 15 20 25, पाँच पाँच बढ़ रहे हैं, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35, एक तिल्ली दो तिल्ली तीन चार तिल्ली, फिर यहाँ आएगी पाँच तिल्ली, तीन चार पाँच, फिर पाँच के बाद क्या आएगी, छः तिल्ली, एक दो तीन चार पाँच छः। अगला, दो तीर ऊपर दो तीर इधर, दो तीर ऊपर दो तीर इधर, दो तीर वापस ऊपर और फिर दो तीर इस तरफ। तो इस प्रकार से हमने इस पैटर्न को भी आगे बढ़ाया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में प्रयास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 4 एवं 5 के अंतर्गत बेस लाइन हल की प्रारंभिक मूल्यांकन को हल किया, जो पेज नंबर 1 से 4 तक था। आप भी इसे हल कीजिए और समझ करके इसका अभ्यास कीजिए। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए, ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुँच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।